हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गेम चैनल पे क्रिशियाटो YT पे, और मैं हूं कृष्ण। तो दोस्तों, मैंने पोल क्रिएट किया था, यहां पे बोला था आफ्टर बॉय अपडेट के बाद अगर आप लोग को चाहिए नए ब्लूस्टेक वर्जन पे सेटिंग्स, तो वहां पे आप लोगों ने कहा था यस। तो यस पे ज्यादा वोट मिला है तो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरा स्किप मत करना, यहाँ पे मैं कुछ चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, ताकि आप लोग का जो हैट है वो ज्यादा लगे। एक्चुअली ये खुद मैं ही ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं मूवमेंट ज्यादा स्पीड पे खेलता हूँ, ना कि हेड पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बट आप लोग को मैं टिप्स दूंगा अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा हेड मारना चाहते हो। तो गाइस, ये जो है लेटेस्ट वर्जन है ब्लूस्टेक का। मैंने आप लोगों से कहा था मैं लेटेस्ट ब्लूस्टेक वर्जन पे ही करूंगा, और जिनका नॉर्मल माउस है उसका भी मैं बताऊंगा सेटिंग्स क्या रखना होगा। और जिनका गेमिंग माउस है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरा भी गेमिंग माउस है, तो यहाँ पे जो दिखाऊंगा वही गेमिंग माउस का होगा। लेकिन बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों को नॉर्मल गेमिंग माउस का भी बताऊंगा। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप लोग जो क्लिप्स देख रहे हो उस पे देखो, मेरा जो मैं जब भी हेडशॉट मारता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो कि मैं थोड़ा मतलब स्टेबल रहता हूँ, मतलब खड़ा रहता हूँ एक जगह पे, देन उसके बाद ड्रैग करता हूँ तो लगता है। अगर आप लोग जब भी हेडशॉट मारने जाओगे एनिमी को, तो आप लोग को जो है ना, आप लोग का जो WSD है उसको ज्यादा मतलब यहाँ लेफ्ट राइट नहीं करने का, मतलब उसको छूने का नहीं है। जब हेडशॉट मारोगे उसके बाद आप लोग जो अपना जो पेन लेके आप लोग भागते हो ना, उस पर स्विच कर लेना है, एंड उससे मूवमेंट स्पीड करके फिर से स्विच करना है, फिर से खड़ा होकर मारना है, टेन लगेगा तो उससे मतलब ज्यादा से ज्यादा लगेगा। ऐसे भी लगता है WSD से भी लगेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम लगेगा। एक्चुअली गाइस, ये जो टिप्स है ना मैंने आप लोगों को दिया है ना, ये मैं ज्यादा खुद फॉलो नहीं करता, बिकॉज मैं ज्यादा हेड के चक्कर में नहीं जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे मूवमेंट पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, मूवमेंट स्पीड के साथ बीट करके मैं एनिमी को मारता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं हेडशॉट मारने की कोशिश नहीं करता हूँ। सो आप लोग मेरे गेम प्ले देखते होंगे। सो लेकिन बहुत से ज्यादा लोगों को ही मतलब चाहिए कि भाई हेड तो मारना ही है भाई, जितना ही हो 10 में से कम 5 तो हेड मारना ही है, 5 किल्स तो हेड चाहिए। तो भाई ये वाला जो टिप्स है, इससे आप लोग आराम से मार पाओगे 10, मतलब 10 में से 8 भी हो सकते हैं गाइस, अगर आप लोग सही से इसको फॉलो करोगे तो। तो ये तो एक मैंने आप लोग को छोटा सा टिप्स बता दिया। यहाँ पे आप लोग मेरी क्लिप्स भी देख रहे होंगे कितना है, मतलब मैं कैसे तरीके से मार रहा हूँ। तो ये तो हो गया गाइस टिप्स। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा ब्लूस्टेक का सेटिंग्स एंड आफ्टर बॉय अपडेट। बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो, एंड जो मैं कहूंगा वो आप लोग सुनोगे तो भाई आप लोग का सेटिंग जो है ना ओपी हो जाएगा। तो पहले तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोग को जस्ट दिखा दूंगा मेरा, बिकॉज मेरा जो मैं रखता हूँ वही रखा है मैंने। यहाँ पे आप लोग देख लो सब कुछ कैसे मैंने रखा है। सो यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है हर टाइम ये बता के आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो यहाँ पे देखो सब कुछ देख लो, एंड सेंसिविटी गाइस यहाँ पे मैंने जनरल को 25 रखा है। अगर आप लोग को जनरल को थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, या लाइक 40 से ज्यादा मत जाना, लेकिन अभी जो मैं सेटिंग दिखाया इसको 25 पे ही रखना, और रेड डॉट को 40 पे, एंड 2x को जो है 25 पे, एंड 4x को जो है 23 पे रखा है। बस हो गया गाइस, और कस्टम HUD नॉर्मल रखा है एकदम, आप लोग को भी लाइक मेरी तरह ही रखना है, इसको 20 कर देना है, और फायरिंग बटन को 10, एंड यहाँ पे जो आप लोग का WSD का मूवमेंट का है इसको आप लोग को भी 10 कर देना है। बस सब कुछ हो गया गाइस, एंड मेन जो चीज है एडवांस सेटिंग्स, ये वाला जो है आप लोग का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक से आप लोग देखो मैं मतलब क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, एंड क्या दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो मेरा माउस का, अगर आप लोग को ट्विक 10 करना है गाइस, तो ये वाला जो माउस सेंसिविटी एंड ये वाला जो है इसको करना ही करना है, नहीं तो नॉर्मली आप लोग सोचोगे भाई क्या है भाई, हम भी कर लेंगे ट्विक को 10, देन उसके बाद ये हमारी मर्जी का कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से आप लोग का जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। सो यहाँ पे जो मैंने रखा है, यहाँ पे देख लो आप लोग जो मैंने रखा है यही रखना है। अगर आप लोग को इससे ज्यादा मूवमेंट फास्ट लग रहा है जो आप लोग का नॉर्मल माउस है, तो मैं आप लोग को दूसरा सजेस्ट करूंगा 149 रखने का। अगर इससे थोड़ा मूवमेंट स्लो हो जाता है तो लास्ट जो है 69 रखना है, लेकिन अभी के लिए जो मैं गेमिंग माउस यूज कर रहा हूँ इससे ये वाला 199 जो है बेस्ट है गाइस। तो आप लोग को भी ये ही रखना है, एंड यहाँ पे देखो मैं हमारे जो पुराने ब्लूस्टेक पे वर्जन पे यहाँ पे
लिखा होगा एक्स एंड वाई का जो है इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जैसे कि 79.24 एंड यहाँ पे 58.6। तो आप लोग को भी यही करना है गाइस। एंड यहाँ पे देखो मेरा ये सेंसिटिविटी रेशियो का जो है वाई 4.49 रखा है, तो आप लोग को भी यही करना है गाइस। एंड बाकी सब तो आप लोग को मैंने दिखा दिया है, सिंपल सी चीज है, ये वाला थोड़ा करके आप लोगों को देखना चाहिए। तो नॉर्मल माउस पे क्या रखना चाहिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोग का नॉर्मल माउस है तो 49 पे ट्राई कर सकते हो गाइस। उसके बाद अगर 49 पे आप लोगों का मूवमेंट स्लो लग रहा है तो 69 पे कर सकते हो। एंड इससे इससे भी मतलब आप लोग का ज्यादा लग रहा है तो लास्ट जो है ये वाला 29 कर सकते हो। लेकिन जो मैं गेमिंग माउस यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो माउस सेंसिटिविटी है ये इतना रखा है मैंने। तो मैं आप लोगों को मेरा दिखा देता हूँ मेरा डीपीआई। बहुत से लोग सेम सवाल पूछते रहते हैं, अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आप लोगों को डीपीआई भी कैसे पता चलेगा। तो मेरा माउस का डीपीआई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, मैंने क्या रखा है यहाँ पे देख लो। मेरा माउस का डीपीआई जो है मैंने 1000 पे रखा है एंड पुलिंग जो रेट होता है रिपोर्ट रेट तो ये 1000 पे रखा है। सो ये है गाइस आफ्टर अपडेट जो मेरा सेटिंग्स है, बहुत ही अच्छा है गाइस। एंड इसका गेम प्ले भी आएगा। अगर आप लोग हाइलाइट्स मेरा मॉन्टेज वीडियो पसंद करते हो तो भाई कमेंट में बताओ कि मॉन्टेज वीडियो भी लाऊं, तो वो भी मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूंगा। फिलहाल आप लोग मेरे मॉन्टेज वीडियो पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाते हो, दैट्स वाई मैं ज़्यादा अपलोड भी नहीं करता हूँ। अगर सपोर्ट दिखाओगे तो मैं अपलोड करूंगा रेगुलरली गाइस। तो गाइस ये तो हो गया आफ्टर बॉय अपडेट सेटिंग्स। अगर ये वाला सेटिंग्स आप लोग यूज़ करने के बाद आप लोग का गेम प्ले अच्छा होता है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और जो भी चैनल पे नए हैं भाई, अगर आप लोग का हेल्प होता है सो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आप लोग को यही पे मिलेगी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बड़े यूट्यूबर नहीं बताएगा अपनी सेटिंग्स के बारे में, वो सभी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है इसके लिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो इतना ही कहूँगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय क्रिशियाटो गेमिंग।